total how many digits? 16. Okay, so total number of digits is 16. So how many
डिवाइड डिवीजन क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. ओके सो ये है डिवीजन के डिवीजन करने का तरीका. ये है रूल्स जो जैसे कि हम डिवीजन जैसे हम डिवाइड करते हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है. सबसे पहली बात कि जो डिवीजन होगा उसकी टेबल आपको आनी चाहिए. जब तक आप टेबल नहीं जानोगे तब तक आप डिविडेंड को डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है तो डिविडेंड डिवाइड करने के लिए आपको डिवीजन का टेबल याद करना बस कंपलसरी है. ठीक है डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. नेक्स्ट स्टेप पे हम डिवीजन के कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं. ठीक है डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है. फर्स्ट वन व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज वन. द क्वेश्चन इज वन व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज वन. जस्ट फॉर एग्जांपल जब भी आप डिवीजन और डिविडेंड डिविजन और डिविडेंड इक्वल हो हमारे पास क्वेश्चन क्या आते हैं वन आते हैं सेम आते हैं सेम नंबर वन ही आएंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल एग्जांपल डिविडेंड इज टू एंड डिविजन ऑल्सो टू. सो टू डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू वन. ओके सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन वन. ओके सो when we put divided 7 divided by 7 is equal to we get answer of 1. okay so divisor or dividend jab same equal ho to hamare paas answer kya aate hai same like 1 aata hai. okay answer question kya aata hai hamare paas 1. okay now second number when we divide a number by when we divide a number by 1 the quotient is the number itself. when we divide a number by 1 the quotient is the number itself. second properties में आपको बताया गया है कि जब भी आप डिवाइड करते हो 1 से किसी भी नंबर को किसी भी डिजिट को किसी भी डिजिट को जैसे डिविजन 1 है और डिविडेंड क्या है कोई भी डिजिट ले लीजिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है सेम ही वैल्यू आती है. ठीक है नाउ दिस फॉर एग्जांपल 243 डिवाइडेड बाय 1. सो व्हाट विल बी द आंसर. द आंसर Okay, so
and quotient is 3. So this is the method of division. Okay. So last one. So last one, when we go to divide it, 1000 divided by 3486. Okay. So 1000, how many times we have count? 3 times we have count. 1000 into 3 is equal to 3000. Okay, 3000. 6 minus 0 is equal to 6. 8 minus 0 is equal to 8. 4 minus 0 is equal to 4. 0, 3 minus 3 is equal to 0. So what will be the remainder? Remainder is 486. Remainder is 486. And quotient is 3. Okay, this is the quotient is 3. So आप लोग ने देखा कैसे मैं डिवाइड की हूँ 100 and 1000 को अलग अलग पार्ट में कैसे डिवाइड किया, आपको समझ में आ गई है ना। सो ऐसे ही करके आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिविजन को डिविडेंड से डिवाइड करना है और क्वेश्चन निकालना है और आपको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर जितनी जो लास्ट में आपकी बच जाती है, लास्ट में डिवाइड करने के बाद जो आपके पास जितनी भी बच जाती है नंबर से हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ डिविजन। सो इट्स वेरी इजी। ओके, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। यू हैव सेंड मी इन माई व्हाट्सएप, यू हैव सेंड मी मैसेज इन माई व्हाट्सएप। ओके, सो इफ ट्राई टू सॉल्व टू मोर क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज बुक, इन योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड देन सेंड मी माई पर्सनल व्हाट्सएप। ओके, सो टिल नाउ बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम एंड सेफ टुडे। Yeah.